गुरुवार को भारतीय जनजागरण समिति द्वारा लाल बहादुर शास्त्री जी की 52वीं पुण्यतिथि उनके रामनगर स्थित पैतृक आवास पर मनाई गई। इस दौरान सदस्यों ने भारत माता व लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। कार्यक्रम में राजीव श्रीवास्तव, दीपक अस्थाना, विद्याधर द्विवेदी आदि लोग उपस्थित रहे। हम लोग जब वहाँ सेना से आने के बाद ये सोचा गया कि आपने एक ऐसे व्यक्ति इस शहर के इस जगह के थे जो जमीन से जुड़े हुए और उच्च स्तर पर पहुँचे, तो उनकी पुण्यतिथि मनाई है। इससे पहले सिर्फ गांधी जी की तिथियाँ मनाई जाती थी, उन्हीं के विज्ञापन और उन्हीं के सारी चीज़ें दिखाई जाती थी, लेकिन आज वो अवसर आ गया मनोज श्रीवास्तव के प्रयास से, जो कि इस समय अध्यक्ष हैं भारतीय जनजागरण समिति के, कि हम सब मिल करके उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। जनायुः सदविन्नु सरदो वन्दे देवाज्रान्दे मानो मध्यारीरिगता युर्गन्धो अदितिर्द्यौरदितिरन्तर्क्षमदितिर्मादमदितिर्जनितवम् द्यौः शान्तिरन्तर्क्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तकृषवे देवाः शान्तिकामा शान्तिरेति जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः। इसी क्रम में श्री लाल बहादुर अनुशीलन एवं स्मारक समिति द्वारा लोहटिया शास्त्री पार्क स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा के समक्ष उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति गणेश दत्त दुबे रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि सहित समिति के सदस्यों ने लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। सदस्यों ने लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे आदि नारे लगाए। इस अवसर पर शास्त्री जी का जीवन दर्शन, नौकरशाह और प्रजातंत्र विषयक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें काशी के विद्वजनों, विचारक एवं जनप्रतिनिधियों ने विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर डॉ. केशरी नारायण त्रिपाठी, आनंद नारायण सिंह, डॉ. धीरेन्द्र पांडे, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद आदि लोग उपस्थित रहे। आज यहाँ भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री जयमान नेता श्री लाल बहादुर शास्त्री की 52वीं पुण्यतिथि मनाने की हम लोगों ने ये किया है, जो हर साल होती है। इस कार्यक्रम का संयुक्त श्री लाल बहादुर शास्त्री अनुस्मरण स्मारक समिति के द्वारा होता है। आज हम उनके आदर्श और भारत में प्रजातंत्र और नौकरशाही इस विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन है। श्री भारत धर्म महामंडल की ओर से लोहराबीर स्थित गायत्री मंदिर में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान महामंडल के सदस्यों ने स्वरूपानंद सरस्वती जी का माल्यार्पण कर उन्हें अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत अभिनंदन किया। इसके बाद एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गयी। शोभा यात्रा में आगे सुसज्जित रथ पर स्वरूपानंद सरस्वती जी विराजमान रहे। इसके साथ ही भक्तगण बाजे गाजे की धुन पर झूमते नाचते हर हर महादेव का उद्घोष करते चल रहे थे। यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए चेतगंज स्थित आर्य महिला पीजी कॉलेज पहुंची, जहां भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, शशिकांत दीक्षित, सत्यनारायण पांडे, एसपी श्रीवास्तव सहित बटुक मौजूद रहे। भेलूपुर थाना अंतर्गत दुर्गाकुंड स्थित एक बैंक्वेट हॉल से बुधवार देर रात पुलिस ने छापेमारी कर वहां से 25 युवकों, 7 युवतियों व एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। भेलूपुर इंस्पेक्टर ने बताया कि रात करीब 11:30 बजे सूचना मिली कि बैंक्वेट हॉल में कुछ युवक शराब पी रहे हैं और युवतियाँ नृत्य कर रही हैं। बताया गया कि ये सभी बर्थडे पार्टी मना रहे थे। इस सूचना पर महिला पुलिस के साथ छापेमारी कर बैंक्वेट हॉल से 33 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं देर रात सभी के परिजनों को सूचित किया गया। सभी युवक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवारों के बताए जा रहे हैं। दुर्गा कुंड में एक जो अपार्टमेंट है बत्रा हॉल, वहाँ पे कुछ लड़कियाँ और कुछ पुरुष हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध लग रही है। तो यहाँ से पुलिस टीम गई छापेमारी करके, उसमें 25 पुरुष
और 8 महिलाएं पकड़ी गई। पूछताछ के बाद जो जानकारी हुई उसके आधार पर 3/5/7 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का उपयोग पंजीकृत किया गया है। सर ये किस तरह की पार्टी चल रही थी, क्या रेप पार्टी वहाँ पर संचालित की जा रही थी? जो हम लोग पास इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे कुछ अश्लील टाइप का कुछ पुरुष वहाँ बैठे थे, महिलाएं डांस कर रही थी, शराब के नशे में थे, बियर का सेवन कर रहे थे, इस तरह की हम लोग पास सूचना थी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर चाइनीज मंझे का विरोध करते हुए चाइना का पुतला दहन किया। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से धड़ल्ले से चाइनीज मंझों की बिक्री हो रही है, जिसके चलते आए दिन लोग घायल हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन द्वारा चाइनीज मंझे को कठोरता से प्रतिबंधित करने की मांग की। इस दौरान अमित यादव, अमित शुक्ला, सर्वेश पाठक, अश्विनी गुप्ता आदि छात्र उपस्थित रहे। आज हम लोगों ने मिलके चाइना मंझा का विरोध किया। पिछले दो दिन पहले हमारे एक भाई का भूकुलगंज में चाइना मंझे से गला कट गया था, एक भाई का आज हाथ कट गया है। इसमें मैं सबसे पहले पुलिस प्रशासन को दोष देता हूँ। पुलिस प्रशासन जो हमारे बनारस काशी की जो प्रशासन है, अभी अभी हमको पता चला है कि जो हमारे बनारस की प्रशासन है वो दुकानदारों से महीना वसूलती है। कल शाम को जब मैं चाइना मंझा वाले दुकान के पास गया, उनसे पूछा भैया क्यों आप लोग चाइना मंझा बेच रहे हैं, आप लोग जान के ये अन्याय क्यों कर रहे हैं, तो उन लोगों ने बोला कि भैया क्या करें, हम लोग को भी महीना देना पड़ता है, हम लोग महीना देते हैं, हम लोग का जीविका है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन की जो लापरवाही है हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर यही पुलिस प्रशासन का रवैया रहा तो कल हम लोग जिला अधिकारी के यहाँ जाके उनका घेराव करेंगे। गुदौलिया स्थित एक भवन में व्यापारियों संघ दशा समेत सीओ स्नेहा तिवारी ने बैठक की। बैठक के दौरान स्नेहा तिवारी ने व्यापारियों से अतिक्रमण हटाने में सहयोग मांगा। उन्होंने इस पर विचार विमर्श करते हुए कहा कि गुदौलिया, नई सड़क, दशा समेत और आसपास के कई क्षेत्र में दूर दराज से पर्यटक व तीर्थयात्री आते हैं। अतिक्रमण के कारण राहगीरों को आने जाने में परेशानी होती है और काशी की छवि पर भी इसका असर पड़ता है। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि वह अपना अतिक्रमण खुद हटा लें। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे लाल निशान लगाया जा रहा है, लाल निशान पर भी ठेला या सगड़ी वाला जबरदस्ती ठेला लगाता है तो चालान काटने के साथ ही दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस पर व्यापारियों ने भी सहमति जताई और अतिक्रमण हटाने में प्रशासन के सहयोग का भरोसा दिलाया। बैठक में दालमंडी, नई सड़क, गुदौलिया चौक आदि कई क्षेत्रों के व्यवसायी उपस्थित रहे। आज थाना दशाश्वमेध अंतर्गत जयपुरिया धर्मशाला में अतिक्रमण को के अभियान से संबंधित एक मीटिंग बुलाई गई थी। स्थानीय व्यापारियों की ये मीटिंग थी जिसमें जनता से सहयोग की अपील की गई और उनको बताया गया कि लगातार जो नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के द्वारा लाल निशान लगाए जा रहे हैं, अतिक्रमण की जद में जो भी दुकानें या स्थायी अस्थायी निर्माण आ रहा है उसको ये स्वेच्छा से हटा ले, अन्यथा अभियान के अंतर्गत हम इसे खुद हटा देंगे। व्यापारियों ने क्या अपनी क्या बातें रखी? व्यापारियों ने व्यापारियों के कुछ बेसिक कन्फ्यूजन्स थे कि कहां तक उनकी दुकान अतिक्रमण की जद में आ रही है, क्या सीढ़ी या प्रोजेक्शन, तो उन सारे डाउट्स को क्लियर किया गया और उनको बताया गया कि संबंधित विभाग के द्वारा आवंटित जो निर्धारित स्पेस है केवल दुकानें वहीं तक आप लगाएंगे और लाल निशान की या अतिक्रमण की जद में आने वाला हर निर्माण हटाया जाएगा, उसे अवैध माना जाएगा। गुरुवार को नगर निगम का जेसीबी नदेसर क्षेत्र में चला। इस दौरान अवैध रूप से रोड पर काबिज कच्चे पक्के एक दर्जन से अधिक निर्माण नगर निगम, वीडीएस, जिला प्रशासन व पुलिस फोर्स की देखरेख में हटाए गए। अतिक्रमण दस्ता वरुणा पुल से शुरू होकर नदेसर चौराहे तक पहुंचा। इस मौके पर एसीएम चतुर्थ नीता यादव, जिला मजिस्ट्रेट तृतीय, नगर निगम के अधिकारी सहित पुलिस फोर्स मौजूद रही। लोहराबीर स्थित राजकीय क्विंस इंटर कॉलेज के छात्रों ने सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल एवं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेश सिंह यादव के नेतृत्व में कॉलेज परिसर में चाइनीज मंझे के दुष्परिणामों को देखते हुए इनके बहिष्कार का संकल्प लिया। छात्रों ने शपथ ली कि वे न तो चाइनीज मंझे का इस्तेमाल करेंगे और न ही किसी और को करने देंगे और वे अपने परिचितों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने भी सभी से चाइनीज मंझे के बहिष्कार की अपील की। इस मौके पर कमला प्रसाद सिंह, डॉक्टर गंगाधर राय, राजीव खन्ना सहित सभी छात्र मौजूद रहे। आज हम लोहराबीर स्थित राजकीय क्विंस इंटर कॉलेज में यहाँ के प्रिंसिपल श्री राजेश कुमार सिंह यादव जी के नेतृत्व में
आप लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से उपस्थित हुए हैं कि आप लोग इस चाइनीज मंदिर का बहिष्कार करें, इसका शपथ लें और अपने आस पड़ोस के लोग को जो भी चाइनीज मंदिर का प्रयोग कर रहे हैं उनको इसके दुष्परिणाम के बारे में समझाएं। केदारघाट स्थित श्री विद्या मठ में बुधवार को 51वीं जल सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि वर्तमान में जल और गंगा जल दोनों ही सृष्टि के लिए अनिवार्य हैं। जल जहां व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य है, वहीं गंगा जल भारतीय संस्कृति के सनातनी रूप को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। साथ ही उन्होंने काशी के विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गंगा से आजीविका कमाने वाले लोगों से अनुरोध किया कि सनातन संस्कृति के महत्व को समझें। इसके बाद काशी विद्वत परिषद के पदाधिकारियों द्वारा स्वामी स्वरूपानंद जी का माल्यार्पण कर वह उन्हें अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। इसके साथ ही उन्हें ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में स्वीकार भी किया गया। इस मौके पर पंडित रामयत्न शुक्ल, पंडित शिवजी उपाध्याय, पंडित वशिष्ठ त्रिपाठी, पंडित वागीश दत्त शास्त्री आदि कई विशिष्ट जन मौजूद रहे। अनादिकाल से चली आ रही शास्त्रार्थ परंपरा जो बीच में किन्हीं कारणों से लुप्त हो रही, लुप्त तो नहीं कहूँगा, लुप्त प्राय से थी, उसे पुनरुज्जीवित करने का यह जो संकल्प और शुभ कार्य इस पीठ द्वारा किया जा रहा है वो अत्यंत श्लाघनीय है। भारत में शास्त्रार्थ की दो परंपराएं दिखती हैं, एक दक्षिण भारत में और एक उत्तर में। उत्तर भारत नहीं कहता हूँ, काशी की एक परंपरा है, क्योंकि काशी उत्तर में जहाँ भी दिखती है वो काशी से ही प्रसूत है। दक्षिण भारत में इसे वाक्यार्थ परंपरा कहते हैं, जिसमें पूर्वोत्तर पक्ष नहीं होता है, जिसका ही जिस वाक्यार्थ प्रक्रिया का ही एक संस्कृत रूप संस्करण सेमिनार के रूप में प्रस्तुत हो चुका है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के आह्वान पर वाराणसी क्षेत्र के रोडवेज कर्मियों द्वारा रोडवेज परिसर में आम सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्रीय मंत्री लाला यादव ने कहा कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों, स्थानीय निकायों व स्वशासी संस्थाओं के साथ 11 निगमों के कर्मचारियों को भी 7वें केंद्रीय वेतनमानों का लाभ मिल चुका है, किंतु परिवहन निगम जैसे महत्वपूर्ण जनसेवी प्रतिष्ठान जो विगत 3 वर्षों से लगातार शुद्ध लाभ में है और 1 दशक से भी अधिक समय से नगद लाभ में चल रहा है, ऐसे कर्मचारियों को 7वें वेतन मान से वंचित रखा गया है। इस दौरान 5 सूत्री मांगे भी रखी गई। आम सभा में योगेंद्र सिंह, आर के श्रीवास्तव, राम प्रकाश सिंह आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के तत्वाधान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उद्यमियों ने सिर्फ उद्योगों के ही नहीं बल्कि प्रदेश के विकास के बाबत काफी गंभीरता पूर्वक चिंतन और मनन किया। बैठक में उद्यमियों ने लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने, औद्योगिक संपत्तियों पर लागू संपत्ति कर को युक्ति संगत बनाने, उद्योग बंधु संस्था को सभी स्तर पर सक्रिय करने, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास की योजनाओं व नीतियों का त्वरित क्रियान्वयन करने आदि मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस मौके पर सुनील वैश्य, श्याम नारायण दुबे आदि उद्यमी मौजूद रहे। इसका प्रमुख उद्योग उत्तर प्रदेश में जो निवेश आने वाला है, औद्योगिक निवेश, हम सरकार से हमारी प्रमुख मांग है कि ये निवेश इस भाग में पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में भी लाया जाए, क्योंकि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश अभी तक काफी उपेक्षित रहा उद्योग की दृष्टि से और यहाँ की आबादी को रोजगार और यहाँ के राजस्व देने के लिए उद्योग का आना बहुत आवश्यक है। हम सारे लोग मिलकर सरकार पर ये दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हम औद्योगिक घरानों को भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में अपना निवेश लाएं और पूर्वांचल में विशेष रूप से बनारस औद्योगिक क्षेत्र में निवेश अगर आएगा तो क्षेत्र का विकास होगा। आप देख रहे हैं KTV।